अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको इस चैनल में जिसका नाम है चाय के साथ। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। इस चैनल को हमने बनाया है विद अ फोकस ऑन न्यू जनरेशन, उनके रियल टाइम इश्यूज और किस तरह उनको हम एक काउंसिल कर सकते हैं फॉर देयर करियर प्लानिंग या जो भी प्रॉब्लम्स उनको यहाँ महसूस होती हैं। तो कोशिश करेंगे कि अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ही उनकी हेल्प कर सकें। हम जनरल डिस्कशन भी करेंगे और जनरली भी हम लोगों को एड्रेस करेंगे कि जहाँ पे उनका थोड़ा बहुत जिस भी कैपेसिटी में हम उनकी हेल्प कर पाएँ, हेल्प आउट कर सकें उनको, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वो करें। तो आज जब मैंने ये सुबह चैनल बनाया, इट्स जस्ट अ सडन थाट केम इन माई माइंड कि मुझे ये करना है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि कुछ भी छोटा बहुत, थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सके तो मुझे करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब लोग भी अपनी अपनी कैपेसिटी में ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे, स्पेशली जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। हम जनरली बात करते हैं, सिंस ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो टू बिगिन विथ आजकल की जो मेन प्रॉब्लम है वो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस है जिससे हमारा कंट्री गुजर रहा है। और शायद हमारे ज़्यादातर लोग इसी में वक्त निकाल रहे होते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसे हालात ख़राब हो गए, ऐसा कुछ हो गया, पाकिस्तान में कैसे रहेंगे, हमारा तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। एंड इट इज़ ऑलवेज लाइक ऐसे ही है, कुछ हमेशा से इसी तरह चलता आ रहा है और आगे भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट थॉट प्रोसेस है, इसको बदलना हम सब की जिम्मेदारी है। आप बीइंग अ पर्सन सिर्फ दूसरों के ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि सिर्फ उन्हीं की खराबी की वजह से खराबियां हुई हैं। इससे पहले कि हम दूसरों को इल्ज़ाम दें, हमें स्क्रूटिनाइज करना चाहिए अपने आप को कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हमने पढ़ाई की, हमने डिग्री हासिल की और फिर हमने सोचा कि हमें प्लेट में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर बाहर भी जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा या जानते ही होंगे कि पासपोर्ट ऑफिस के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सब ये सोचते हैं कि हम अगर बाहर चले जाएंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। तो जनाब, रिस्क अल्लाह ताला ने लिख रखा है, जहाँ लिख रखा है वहाँ तो आप जाएंगे ही जाएंगे। और अगर इसी मुल्क में लिखा है तो यहीं आपको रिस्क मिलेगा। अब उस रिस्क के दरवाजे को ढूंढना, उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना आपकी ज़िम्मेदारी है। जो स्पेस, जो आइडेंटिटी आपको इस मुल्क ने प्रोवाइड की है, उसका बहुत बड़ा कर्ज है आपके ऊपर। उसे उतारने की कोशिश करिए, इस मुल्क को वो दीजिए जो आप दे सकते हैं, पॉजिटिविटी दीजिए। अगर हर जगह अंधेरा है तो क्या पता आप वो एक किरण हो रोशनी की जो इस मुल्क में एक चेंज ला सकते हैं। अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानिए और आगे बढ़िए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद एक्सप्लोर करिए। बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि मैंने कहा, प्लेट में रख के कुछ नहीं आता, कुछ एक्सप्लोर भी करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ढूंढिए, थोड़ा सर्च करिए। आजकल बहुत एक सबसे इजी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि जी आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया किसी भी टॉपिक पे जो आपको लगता है कि एक फास्ट पेस टॉपिक या फास्ट पेस सब्जेक्ट हो सकता है। अपनी लाइफ को लेकर ही बना दीजिए, शायद कुछ इन्फ्लुएंस कर पाए आप लोगों की ज़िंदगी में। उसके अलावा कुकिंग चैनल्स बना सकते हैं, DIY चैनल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, रिएक्शन चैनल्स बना सकते हैं। कुछ ना मिले तो हालात पे बात करने के लिए बना लीजिए, आई एम श्योर आपकी इनकम तो स्टार्ट हो ही जाएगी। उसके अलावा आप अपनी स्किल्स को शार्प करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि इधर उधर के कामों में टाइम वेस्ट करें, बजाय इसके कि अपनी एनर्जीज इसमें वेस्ट करें कि किसको क्या करना चाहिए, ये देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। अपने अंदर के इंसान को पहचानिए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानिए और हो सकता है कि वो क्रिएटिविटी ही आपका करियर पाथ बन जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग ही प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में। मैं जानती हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जो डिग्री और जिस सीट को हासिल किया है उसके साथ भी
ऑनेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको वो जॉब या वो चीज़ नहीं सूट कर पाए, आगे ना मिल पाए, उसको ऐसे समझिए कि वो भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है। उसके फैसले को इस टाइम में एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, या जो एक्सपर्टीज़ आपके पास हैं उन्हीं को थोड़ा सा और क्लियर करके, थोड़ा और बेटर करके अपना कुछ स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने आप को भी जॉब दे रहे होंगे और दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। फ्रीलांसिंग एक दूसरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म्स वहाँ यहाँ ग्लोबली अवेलेबल हैं। अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, यू कैन सिंपली गो फॉर देम। अपने अपने हिसाब से जो चीज़ें आप ऑफर कर सकते हैं वहाँ पे करिए। उसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस को, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, और जितने एनजीओज हो गए या अथॉरिटीज़ हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उन्हें चाहिए कि वो फ़ंड करें। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, और उसे फ़ंड करें और उन्हें इनक्रेज करें कि वो अपने न्यू आइडियाज़ को जनरेट करें। आई तो बिलीव कि हमारा एक अपना शार्क टैंक होना चाहिए जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ सेल कर सकें, एक पाकिस्तानी शार्क टैंक जहाँ पर वो अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें, इंडिजिनस सॉल्यूशंस फॉर लोकल प्रॉब्लम्स, ये चीज़ होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं आप सब? मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह फिर दूसरे किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। मुझे आपके कमेंट्स की और आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना भी एक इनपुट दीजिए, और अपने तौर पर भी कुछ इस तरह करने की कोशिश कीजिए कि आप किसी दूसरे के काम आ सकें। एक जनरल से कोट के साथ मैं यहाँ पर बात को क्लोज़ करूँगी कि अल्लाह ताला शायद हुकूक अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन हुकूक अल-इबाद को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो बराए करम कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आज का दिन दुनिया में है तो कल की रात कब्र में भी हो सकती है। कुछ भी बुरा करने से पहले या कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले ये ज़रूर अपनी कब्र को ज़रूर याद करिए। आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कब्र का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है इसका हिसाब भी आपको कब्र में देना है। तो खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए, और इस चैनल को जैसे मैंने रिक्वेस्ट की कि लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू सो वेरी मच।